हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस एकेडमी और मैं हूं कन्हैया सैने। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, और पिछली क्लास में अपन ने एंथर की स्ट्रक्चर और डिफरेंट एंथर वॉल के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, जब से अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है अभी तक अपन ने कोई भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में अपन पहली बार एक हैप्लॉइड स्टेज बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं और एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट है, क्योंकि वो डिप्लोइड है। और पहली बार जब माइक्रोस्पोर बनेगा तो इसका मतलब वो हैप्लोइड स्टेज है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करेंगे। तो देखो, डेवलपमेंट पढ़ने के से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में सीखना होगा। देखो देखो, एक टर्म होती है लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट, देखो जब भी स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की बात आएगी तो ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब, यदि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन एक सिंगल इनिशियल सेल से हो रहा है, एक ही सेल अगर स्पोरेंजिया बना रही है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। और ऐसा डेवलपमेंट अपन प्लांट डाइवर्सिटी में टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हैं। दूसरा होता है देखो यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट, अब देखो टर्म के आगे जब यू लग गया तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये डेवलप टाइप का डेवलपमेंट है। तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब हो गया, यदि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स या एक से ज्यादा इनिशियल सेल्स से हो रहा है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन बोलेंगे यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। तो एंथर क्या है? एंथर एक तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। तो एंथर का डेवलपमेंट भी एक से ज्यादा सेल्स से होता है, इसलिए एंथर का डेवलपमेंट भी कैसा माना जाएगा? यूस्पोरेंजिएट टाइप का। अब ये यूस्पोरेंजिएट टाइप का कैसे है, इस बात को समझने के लिए अपने पास एक डायग्राम है, इसको अपन सीखते हैं। देखो देखो स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेज में जब एंथर बन रहा होता है तब ये स्फेरिकल शेप्ड होता है, ऐसा स्फेरिकल बोल दो, ओवल शेप्ड बोल दो। और इसमें जो भी सेल्स दिख रही हैं, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्मेटिक सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्मेटिक सेल्स का मतलब हो गया कि सारी सेल्स है वो एक जैसी है, डिफरेंशिएशन नहीं है इनमें। और देखो सबसे बाहर की तरफ एक थिक लेयर होती है, इसको बोलते हैं अपन एपिडर्मिस। इसका मतलब एंथर में एपिडर्मिस तो इनिशियल स्टेज से ही होती है। अब देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले तो इसके मिडल रीजन में वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे तो एक काम तो हो गया कि सप्लाई तो स्टार्ट हो गई, कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखो ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के जस्ट निचला वाला रीजन दो है, इसको मैंने बोल दिया कि ये हाइपोडर्मल रीजन है, ये हाइपोडर्मल रीजन है। अब देखो पहले तो सारी सेल्स कैसी थी, अनडिफरेंशिएटेड थी, लेकिन अब क्या होगा, इस एंथर के चारों कोने पर हाइपोडर्मल रीजन में कुछ बड़े साइज की सेल्स बनने लग जाएगी। तो वो सेल्स कौन सी मानी जाएगी? हाइपोडर्मल सेल्स। बड़े साइज की है, डेंस साइटोप्लाज्म है, बड़ा न्यूक्लियस है, तो बाकी के कंपेयर में वो बड़ी दिखती है। उन सेल्स को बोलते हैं अपन आर्किस्पोरियल सेल्स। तो आर्किस्पोरियल सेल्स के बारे में लिख दिया कि हाइपोडर्मल सेल है, लार्ज सेल है, लार्ज न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है। नंबर फिक्स नहीं है, डायग्राम में अपन ने चार बनाई है, लेकिन नंबर फिक्स नहीं है कि चार ही बनेगी। अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेगी, ऐसे पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। अब आपको ये सीखना पड़ेगा सर, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन कौन सा होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। देखो पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये सेल्स है, अब ये देखो सेल की सिंगल लेयर है, और अगर मान लो ऐसा डिवीजन दो, यहां पे दो लेयर बना दे, एक लेयर ये रही एक ये रही, तो ऐसे डिवीजन को अपन बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। और अगर राइट एंगल पे हो रहा है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल। तो यहां पर ये सेल्स क्या करेगी? पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। तो पेरिक्लाइनल करेगी, दो टाइप की सेल बनेगी। देखो जो सेल्स पेरिफ्री की तरफ बन रही है, देखो ये वाली ये हो रही है जो बाहर की तरफ बन रही है, उनको बोलेंगे अपन प्राइमरी पैराइटल सेल। तो जो सेल्स सेंटर की तरफ बन रही है, कौन सी वाली? ये वाली, ये सेंटर और सेंटर की तरफ बन रही है, उनको बोल देंगे अपन प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। तो आर्किस्पोरल सेल ने क्या किया, बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल्स और सेंटर की तरफ क्या कर दिया, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बना दी। अब ये देखो प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या करेगी, लगातार वापस डिवीजन करेगी। आगे के जो डिवीजन होंगे वो दोनों टाइप के होंगे, पेरिक्लाइनल भी होंगे और एंटीक्लाइनल भी होंगे।
तो प्राइमरी पैरेटल सेल्स क्या करेगी, आगे चल के एंडोथीशियम मिडल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन कर देगी। यहां से बनता है देखो अच्छा क्वेश्चन, एंडोथीशियम मिडल लेयर और टेपिटम के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एंडोथीशियम होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जो मिडल लेयर्स की जो सेल्स होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, 1-2-3 लेयर होती है, और जो टेपिटम होती है वो इनर मोस्ट होती है, जो कि स्पोर मदर सेल्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है, वो भी सिंगल लेयर होती है। तो देखो एंडोथीशियम मिडल लेयर और टेपिटम तीनों का फॉर्मेशन किसने किया, प्राइमरी पैरेटल सेल ने, और प्राइमरी पैरेटल सेल का फॉर्मेशन किसने किया, आर्कियोस्पोरल सेल ने। तो इसका मतलब एंडोथीशियम मिडल लेयर और टेपिटम तीनों ही आर्कियोस्पोरल ओरिजिन की है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, एपिडर्मिस इज नॉट आर्कियोस्पोरल इन ओरिजिन। क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस तो देखो पहले से बनी हुई है, इसका फॉर्मेशन है वो आर्कियोस्पोरल सेल ने नहीं किया। तो प्राइमरी पैरेटल सेल ने क्या कर दिया, ये तीन लेयर बना दी, तीनों लेयर के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। इधर देखो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स क्या करेंगी, ये आगे डिविजन करके बनाएगी स्पोरोजिनस सेल्स, और स्पोरोजिनस सेल्स ये आगे क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनको चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, चाहे इनको पोलन मदर सेल्स बोल दो, या इनको पोटेंशियल पोलन भी बोल देते हैं, पोटेंशियल पोलन। पोटेंशियल पोलन का मतलब हो गया कि इनमें पोलन ग्रेन बनाने का पोटेंशियल है, इसलिए इनको बोल दिया पोलन पोटेंशियल। तो देखो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये कैसी, डिप्लोइड। तो जितनी भी सेल्स मैंने बनाई है, चाहे वो आर्कियोस्पोरियल हो, चाहे प्राइमरी स्पोरोजेनस, चाहे स्पोरोजेनस, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, चाहे प्राइमरी पैरेटल, सारी कैसी हैं, डिप्लोइड। इज इट क्लियर। अब क्या होगा, देखो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये क्या करेंगी, यहाँ पर मियोसिस करेगी। जब ये मियोसिस करेगी तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब एक मियोसिस करेगी तो चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। कितने बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स आपको पता है कैसे हैं स्टूडेंट्स, एप्लॉइड। एप्लॉइड है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करने का काम कर रहे हैं। पहली बार इस प्लांट की लाइफ साइकिल में कोई एप्लॉइड स्टेज बनी है। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से सिखाऊं, देखो एक बार। जैसे मान लो ये अपने पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कैसी है ये, डिप्लॉइड। ये क्या करेगी, मियोसिस। तो ये जो मियोसिस कर रही है इसको अपन बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्पोरिक मियोसिस का मतलब मियोसिस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। देखो जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, एम्ब्रियोफाइट में कौन कौन इंक्लूड है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एम्ब्रियोफाइट्स का मेन करैक्टर होता है स्पोरिक मियोसिस, जबकि थैलोफाइट्स होते हैं लाइक एल्गी, उनका मेन करैक्टर होता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मींस जाइगोट में मियोसिस होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब। तो देखो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब एक बार स्पोरिक मियोसिस करेगी तो चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर्स बन गए। और माइक्रोस्पोर्स कितने बने, चार हैं, कैसे, हैप्लोइड। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट अपन ने बोल दिया, यही प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करेगी तो चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। सिंपल सा इक्वेशन यहां भी सीख सकते हो आप। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मियोसिस आर असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1000 माइक्रोस्पोर्स, 1000 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, पूछा है कि कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा सर 250 मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक से चार बनते हैं, 1000 बनाने हैं तो 250 की रिक्वायरमेंट होगी। ये बन गए देखो माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स क्या कर रहे हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखो इनिशियल स्टेज में ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये कैलोस लेयर से जुड़े रहते हैं। कैलोस एक तरीके का सेलुलोज होता है, बीटा-1-3 ग्लूकेन, तो जुड़े हुए हैं, तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। टेट्राड का मतलब चार का ग्रुप, माइक्रोस्पोर के चार के जुड़े हुए ग्रुप को क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब सुनो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो टेट्राड है, इस टेट्राड में क्या माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता। अलग अलग प्लांट्स में टेट्राड में माइक्रोस्पोर्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सुनो देखो, अगर मान लो अरेंजमेंट इस तरीके का है, टेट्राड में माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट अगर मान लो इस तरीके का अरेंजमेंट है, तो मैं बोलूंगा कि ये अरेंजमेंट है ये माना जाएगा टेट्राहेड्रल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन माइक्रोस्पोर टेट्राड।
ज्यादातर प्लांट्स में ऐसा ही मिलता है टेट्राहेड्रल। इसके अलावा अगर मान लो अरेंजमेंट ऐसा है तो मैं बोल दूंगा कि ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलूंगा मैं ये आइसो बायलेटरल टाइप का है, आइसो बायलेटरल। और अगर मान लो टेट्राहेड्रल में जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का है, अब आप ऐसा मत सोचना कि सर इसमें तो तीन माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं, तीन नहीं है, तीन दिख रहे हैं, एक पीछे रह गया, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलेंगे डेकासेट। ये डेकासेट टाइप का अरेंजमेंट है। अगर मान लो अरेंजमेंट इस तरीके का है तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलूंगा कि ये टी शेप्ड अरेंजमेंट है, ये टी शेप्ड अरेंजमेंट हुआ। और अगर मान लो अरेंजमेंट इस तरीके का है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन कि ये लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये जो टेट्राड बना है इसे टेट्राड में माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा है? टेट्राड्रल टाइप का। अब क्या हुआ देखो, ये जो टेपिटम है, टेपिटम के फंक्शन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो मेन फंक्शन होता है वो तो ये होता है कि मिडल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब किया और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा टेपिटम क्या करती है? एक तो कैलेज एंजाइम सीक्रेट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेज एंजाइम सीक्रेट करती है। और इसके अलावा जब टेपिटम डीजनरेट होने वाली होती है तब क्या करती है, वो यूबिस्ट बॉडीज बनाती है। और दीज यूबिस्ट बॉडीज आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन में लिखा है, इसके बारे में अगली क्लास में अपन खूब सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात याद रख लो कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो प्लांट में मोस्ट रेजिस्टेंट या हार्डेस्ट मटेरियल है। सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल पूछा जाए प्लांट में तो स्पोरोपोलेनिन ही है। अगर सबसे ज्यादा हार्ड टिश्यू पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो अब ये जो कैलोस की वजह से माइक्रोस्पोर्स जुड़े हुए थे तो ये टेपिटम क्या करेगी? कैलेज एंजाइम सीक्रेट करेगी। ये कैलेज क्या करेगा? इस कैलोज लेयर को तोड़ देगा, तोड़ देगा तो ये चारों माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? रिलीज हो जाएंगे। अब ये स्पोरोपोलेन क्या करेगा? इन माइक्रोस्पोर्स के चारों ओर एक थिक हार्ड लेयर बना देगा जिसको अपन बोलेंगे एक्साइन। अब ये एक्साइन बन गए, अब ये क्या बन गए? माइक्रोस्पोर्स। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये एक्चुअल में अभी सिंगल सेल स्टेज में है, थोड़े से ओवर डेवलप हो जाएंगे जब ये टू सेल स्टेज में आ जाएंगे तो इन पन को बोलेंगे कि ये पोलन ग्रेन्स हैं। एक्चुअल में माइक्रोस्पोर्स में और पोलन ग्रेन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइक्रोस्पोर्स की जो डेवलप्ड फेज होती है उसी को अपन पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में अपन पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक्साइन एंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का जो ये हमारा लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।